जब भी शिद्दत से प्रभु भक्ति की जाए तो तीन चमत्कार आपके जीवन में होते हैं। और जो जो प्रभु भक्त है उन्होंने यह अनुभव किया है, उन्होंने यह जाना है, उन्होंने यह समझा है कि जब भी हृदय से परमात्मा भक्ति करी या सही मायने में प्रभु भक्त बनने की कोशिश करी, सही मायने में प्रभु से जुड़ने की कोशिश करी, तो निश्चित ये तीन चमत्कार हमारे जीवन में घटित हुए हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमात्मा भक्ति की ताकत यह है कि आपके जीवन में तीन चमत्कारों को घटित कर सकती है। कहा नंबर वन, सबसे पहले क्या जाता है? कहा जीवन का अंधकार चला जाता है। प्रभु भक्ति क्या करती है? हमारे जीवन के अंधकार को दूर करती है। आज ज्यादातर लोगों को देखा जाए, उनके जीवन को देखा जाए, उनके जीवन के ऊपर दृष्टिपात किया जाए, तो यह प्रतीत होता है कि आदमी अंधकार में जीवन जी रहा है। उसको पता ही नहीं करना क्या है, उसको पता ही नहीं जाना कहां है, उसको पता ही नहीं जीवन कैसे जीना है, उसको पता ही नहीं है मनुष्य जन्म को सार्थक कैसे करना है, उसको पता ही नहीं है मनुष्य जीवन मुझे क्यों मिला, उसको पता ही नहीं कि मुझे कौन सी मंजिल तक पहुंचना है, उसको पता ही नहीं कि मेरा रास्ता कौन सा है, कुछ भी तो पता नहीं। आप देखना संसार में ज्यादातर लोग ऐसे है जो रूटीन लाइफ जी करके खुद का जीवन परिपूर्ण कर देते। सुबह उठ गए, तैयार हो गए, समय मिला तो मंदिर जाकर आए, नाश्ता कर लिया, ऑफिस चले गए, 6-7-8 घंटे ऑफिस में बिता दिए, रात को थके हारे घर आए, कहीं बाहर घूमने चले गए मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ थोड़ा समय बिताया और सो गए, हो गया दिन पूरा। हफ्ते में शायद कभी कभार एकाध दिन का समय मिल जाए तो कहीं टूर पे चले गए, कहीं घूमने चले गए। बस यही जीवन है सामान्य लोगों का। जीवन देखा जाए इसी तरह से व्यतीत हो जाता है, इसी तरह से परिपूर्ण हो जाता है। बचपन पढ़ाई लिखाई में बीत जाता है, यौवन अवस्था कहीं ना कहीं शादी करने में, कहीं ना कहीं पैसे कमाने में बीत जाती है, प्रौढ़ अवस्था कहीं ना कहीं बच्चों को और परिवार को सेट करने में निकल जाती है, वृद्ध अवस्था कहीं ना कहीं रोते रोते इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, मेरा ये सुनता नहीं है, मेरी ये कोई बात ध्यान नहीं देता है, ये रोते रोते वृद्ध अवस्था परिपूर्ण हो जाती है। जीवन में बचता क्या है? ज्यादातर लोगों का जीवन यही है, ना कुछ अपने लिए सोच पाते हैं, ना कुछ अपने लिए कर पाते हैं, ना कुछ अपने लिए विचार कर पाते हैं, ना कुछ जीवन का मार्ग ढूंढ पाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ज्यादातर लोगों का जीवन अंधकारमय है। उनको लगता है कि ठीक है महाराज साहब पैसे है जीवन में, अब क्या जरूरत है? उनको लगता है महाराज साहब ठीक है परिवार है जीवन में, अब कौन सी जरूरत है? उनको लगता है महाराज साहब शरीर स्वस्थ है जीवन में, अब क्या जरूरत है? उनको लगता है कि महाराज साहब सत्ता है मेरे पास, अब मेरी क्या, मुझे किसकी जरूरत है, मुझे क्या जरूरत है? और यही सोच करके उनका जीवन बीत जाता है। लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि समझना, ये सब करने के लिए मनुष्य जीवन नहीं है, ये तो कुछ बड़ा करने के लिए। यहां कुछ बड़ा किया जा सकता है, ये सब तुच्छ कार्य है और ये तो संसार में कोई भी इंसान कर सकता है। आप देखना, आप अपने जीवन को चेक करना कि आप जीवन में ऐसा कौन सा कार्य करते हो जो दूसरे से हटके हो। आप अपनी लाइफस्टाइल को देखोगे तो आपको लगेगा कि संसार में 800 करोड़ लोग जो करते हैं वही तो मैं करता हूं, मैं कौन सा अलग करता हूं, मैं क्या अलग करता हूं, मैं क्या हटके करता हूं, मैं क्या कुछ डिफरेंस करता हूं, मैं क्या मेरे बारे में सोचता हूं। संसार में 800 करोड़ लोग जो काम करते वही तो मैं करता हूं, मैं दूसरा क्या करता? तुच्छ कार्यों के लिए यह मनुष्य जीवन नहीं है, समझना। मनुष्य जीवन कुछ बड़ा करने के लिए है, कुछ विशिष्ट करने के लिए है, कुछ उच्च करने के लिए है, कुछ श्रेष्ठ करने के लिए है। इसीलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि जिनके जीवन में ज्ञान का प्रकाश नहीं है उसका जीवन ऐसे ही खत्म हो जाता है। ना कुछ लेना, ना कुछ देना, ना कुछ पाना, ना कुछ प्राप्ति, ना कुछ मंजिल, कुछ भी नहीं है उनके जीवन में। इसीलिए कहा कि परमात्मा भक्ति क्या करती है? कहा कि परमात्मा भक्ति आपके जीवन के अंधकार को दूर करती है। हम प्रतिदिन बोलते हैं अज्ञान तिमिरांधानम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रभु और गुरु हमारे जीवन में एक ही तो काम करते हैं, हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर देते हैं, हमारे जीवन के अंधकार को खत्म कर देते हैं और हम बड़े अज्ञानी हैं, हम चूक जाते हैं, वही गलती बार बार दोहराते हैं, वही गलती बार बार करते रहते हैं, वही मिस्टेक हम जीवन में बार बार करते रहते हैं। इसलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि समझना जीवन में प्रभु भक्ति क्या करती है। सबसे पहले नंबर में तुम्हारा अंधकार दूर करती है। नंबर टू,
नंबर वन अंधकार का नाश करे वह प्रभु भक्ति। चमत्कार घटित होता है जीवन में कि जीवन में से अंधकार चला जाता है और जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट हो जाता है। कहा नंबर टू, दूसरा चमत्कार क्या होता है? कहा प्रभु भक्ति तुम्हारे जीवन का अहंकार दूर करती है। पहले नंबर में अंधकार को भगाती है, अंधकार को हटाती है, अंधकार को दूर करती है, और दूसरे नंबर में प्रभु भक्ति तुम्हारे जीवन का अहंकार हटाती है। कितने अहंकार में हमारा जीवन चल रहा है, कभी बैठकर सोचो तो सही, कभी बैठकर देखो तो सही कि जीवन अहंकार से भरा हुआ है। अंधकार तो है लेकिन अहंकार भी जीवन में भरपूर है, अहंकार जीवन में भरा हुआ है। हमें लगता है कि हम कुछ है, हमारा कुछ वजूद है, हमारे पास कुछ है, और इसीलिए आदमी अहंकारित होकर जीवन जीता है। ज्यादातर लोगों का जीवन अहंकार में नाश हो जाता है। मैं क्यों झुकू, मैं क्यों कहूं, मैं क्यों मांगू, मैं क्यों सामने वाले के पास जाऊं, मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ आता है। यह अहंकार में आदमी अपना जीवन व्यर्थ गवा देता है। परमात्मा भक्ति क्या करती है कि हमारे जीवन के अहंकार को दूर करती है। समझिएगा, जितने भी स्तवन हो, जितनी भी स्तुति हो, या जितने भी परमात्मा भक्ति के पद हो, सबका निष्कर्ष और भावार्थ एक ही है, प्रभु मेरे जीवन के अहंकार को तोड़ देना। हमारे जीवन शासन का सर्वश्रेष्ठ मंत्र नमस्कार महामंत्र, उसका शुभारंभ भी नमो से होता है। नमो यानी झुक जाना, मुड़ जाना, झुका झुका झुकाने की ताकत हमारे जीवन में नमस्कार महामंत्र में है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अहंकार जब तक जीवन में है तब तक हम प्रभु भक्ति में नहीं जुड़ पाएंगे। और प्रभु भक्ति की ताकत यह है हमारे जीवन के अहंकार को तोड़ दे। हम आदमी, आज का आदमी झुकने के लिए राजी नहीं होता, झुकने के लिए तैयार नहीं। उसको लगता है कि मैं क्यों झुकूंगा, लेकिन हमें तो बचपन से नमस्कार महामंत्र सिखाया जाता है। उसका प्रारंभ नमो शब्द से होता है, और नमो यानी झुक जाना। मैंने अभी बहुत अच्छी बात पढ़ी, कहा कि मूर्ख व्यक्ति का पहला लक्षण क्या, बराबर समझना। जीवन में अपने आप को देखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बाबत है। कहा कि मूर्ख व्यक्ति का प्रथम लक्षण क्या, यदि संसार में देखा जाए कि मूर्ख कौन, बुद्धिमान कौन, कैसे जांचा जाए, कैसे देखा जाए, कैसे पता करें कि कौन मूर्ख है और कौन बुद्धिमान है। बड़ी गजब की बात लिखी गई कि मूर्ख व्यक्ति का प्रथम लक्षण कौन सा, और प्रत्युत्तर दिया गया, जिसको ये लगता हो मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ आता है, वो संसार में सबसे मूर्ख व्यक्ति है। और बुद्धिमान कौन, हमें लगता है हम बुद्धिमान है। कहा के बुद्धिमान कौन, कहा के बुद्धिमान वह जो हमेशा सीखने की कोशिश में रहे, हमेशा नया जानने की कोशिश में रहे, दूसरे व्यक्ति के पास से कुछ ना कुछ ज्ञान लेने की कोशिश में रहे, वह बुद्धिमान है। और जीवन में जीवन भर यही ढिंडोरा पीटता हुआ फिरे कि नहीं, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है, मैं जानकार हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत ज्ञान है, ये जिसको भी लगता हो समझ लेना संसार का सबसे मूर्ख व्यक्ति वह है। मैं सब जानता हूं, ये मूर्खता का लक्षण है। मुझे सब कुछ आता है, ये मूर्खता का लक्षण है। मुझे सब कुछ पता है, ये मूर्खता का लक्षण है। इसलिए आपके भीतर में भी ये भाव जगते हो कि नहीं, मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कई बार कहता हूं कि अहंकार की पराकाष्ठा कब हो, जब आपके जीवन में कोई गुरु ना हो। जिसके जीवन में गुरु हो, इसका मतलब ये कि वो एक जगह तो ऐसी है जहां झुकने को तैयार है, एक जगह तो ऐसी है जहां झुक जाने को तैयार है। लेकिन आपके जीवन में गुरु ना हो ना, तो समझ ना, ना आपके जीवन में अहंकार की पराकाष्ठा है। आपको एक ठिकाना ऐसा ना मिला जहां आप झुक जाओ, आपको एक ठिकाना ऐसा ना मिला जहां आपका मस्तक झुक जाए, आपको एक ठिकाना ऐसा ना मिला जहां आपका मन सरेंडर हो जाए, तो समझ लेना हमारे जीवन में अहंकार की पराकाष्ठा है। इसलिए हमारे यहां गुरु का इतना महत्व बताया गया कि गुरु और प्रभु क्या करते हैं, हमारे जीवन के अहंकार को खत्म कर देते हैं। समझना,
मूर्ख व्यक्ति का प्रथम लक्षण यह है, मैं सब जानता हूं, मुझे सब आता है, मुझे सब पता है। और बुद्धिमान व्यक्ति का प्रथम लक्षण यह है कि मुझे सीखना है, मुझे जानना है, मैं हमेशा नया सीखने और जानने के लिए तैयार हूं। देख लेना अपने आप को कि हमारी कैटेगरी कौन सी है। ज्यादातर लोगों को देखा जाए तो यही भ्रम में जीवन जी रहे हैं कि मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, मैं सब जानता हूं। बड़ी गजब की बात लिखी कि बहुत कम लोग संसार में ऐसे हैं जो जानते हैं कि हम बहुत कम जानते हैं। बहुत कम लोग संसार में ऐसे हैं जो जानते हैं कि हम बहुत कम जानते हैं। ज्यादातर लोग तो यही जानते हैं कि मुझे सब कुछ पता है। ये आपका अहंकार है, और अहंकार को तोड़ने का कार्य यदि कोई करे तो परमात्मा भक्ति। प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु क्या सिखाते हैं? झुकने की बात सिखाते हैं। हमारी स्तवना, हमारी भक्ति क्या सिखाती है? झुकने की बात सिखाती है, सरेंडर हो जाने की बात सिखाती है, चरण स्वीकार करने की बात सिखाती है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि प्रभु भक्ति आपके जीवन में क्या करती है, तो कहती है कि सबसे पहले नंबर में क्या नाश होता है? क्या नाश होता है? अंधकार। दूसरे नंबर में अंधकार भी चला जाए और दूसरे नंबर में अहंकार भी चला जाए, ये ताकत परमात्मा भक्ति में है। और कहा तीसरे नंबर में, और समझ लेना ये तीन चले जाए तो आपका जीवन चमत्कार से कम नहीं है। लोग ऐसे चमत्कारों के पीछे भागते हैं जिसका उनसे कुछ लेना देना ना हो। चमत्कार तो यह है, गुरु के पास जाओ और गुरु वास्तव करे और आपको पैसे का मुनाफा हो जाए, ये चमत्कार नहीं है। आपके पुण्य से होता है, गुरु तो निमित्त बनता है। समझना, गुरु के पास जाओ और गुरु आपको वास्तव करे, आपके माथे के ऊपर हाथ घुमा दे और आपको व्यापार में अभिवृद्धि हो जाए, आपको व्यापार में लाभ हो जाए, तो ये चमत्कार मत समझना, ये तो आपका पुण्योदय था, गुरु निमित्त बन गए। लेकिन गुरु के पास जाओ और आपका अहंकार टूट जाए तो समझना जीवन में चमत्कार घटित हुआ, तो समझना जीवन में कुछ चमत्कार हुआ। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में समझिएगा, अंधकार को खत्म करे वो ताकत प्रभु भक्ति में है, अहंकार को खत्म करे वो ताकत प्रभु भक्ति में है, और नंबर थ्री अधिकार को खत्म करे वो ताकत प्रभु भक्ति में है। जीवन भर हम अधिकार के लिए लड़ते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। हक के लिए हम लड़ते हैं, लड़ाई करता है आदमी हक के लिए, ये मेरा है, ये मुझे मिलना चाहिए, ये मेरा है, मुझसे बिछड़ना नहीं चाहिए, ये मेरा है, मेरे से अलग होना नहीं चाहिए, ये मेरा है, मेरे से कहीं दूर जाना नहीं चाहिए। जीवन भर आदमी लड़ता है अपने हक के लिए, अधिकार के लिए। शास्त्रकार भगवान कहते हैं समझना, परमात्मा भक्ति हमें यही संदेश देती है कि कुछ भी तो तेरा नहीं है, क्या अधिकार जताना, क्या अधिकार के लिए लड़ना, तेरा कुछ भी तो नहीं है। तू आत्म तत्व है, तू आत्म स्वरूप है, और आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो तेरा कुछ भी नहीं है। और ये अधिकार की भावना भी कौन खत्म कर सकता है? कहा कि जिसके जीवन में प्रभु भक्ति आ जाए उसके जीवन में से अधिकार के भाव भी खत्म हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में समझिएगा, परमात्मा भक्ति की ये ताकत है, परमात्मा के चरणों की ये ताकत है, परमात्मा का शरण स्वीकारने की ये ताकत है कि परमात्मा भक्ति आपके जीवन में तीन चमत्कार पैदा करती है। और तीन चीजें जो हमारे जीवन को डिस्टर्ब करती है, हमारे जीवन को परेशान करती है, ऐसी तीन चीजों को हमारे जीवन से हटाती है। सबसे पहले नंबर में, साथ में मिलकर, पहले नंबर में अंधकार, नंबर टू अहंकार, एंड नंबर थ्री अधिकार। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।